हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो अभी नहाना धोना हमने किया है, तो अब जो है कपड़े डाल देते हैं धोने के लिए, फिर उसके बाद में ऊपर डालेंगे धूप में। थोड़ा सा सुखा लेते हैं 1 मिनट के लिए, सुखाएंगे कपड़े। धूप लग रही है तो अजीब ही आ रहा। तो अभी ना थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि प्यास ना बहुत तेज से लगी। फिर चलते हैं कपड़े डालने के लिए। कपड़े भी अपने डाल दिए, तो अब कुछ खाना बना लेते हैं। तो चलिए फिर आज में बनाएंगे मसूर की दाल खाने में। तो अभी ना दाल पकने के लिए रख देते हैं, और दाल ना बस ऐसे सिंपल तरीके से बनाएंगे। चावल ले लेते हैं बीनने के लिए। दाल तब तक हमारी पक रही, तब तक बाहर बैठकर चावल बीन लेंगे। Thank you.
तो अभी ना दोपहर का टाइम हो गया, लगभग लगभग 12 बजने वाले हैं। मेरा ना खाना पानी सब कुछ हो चुका, तो अभी ना थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ये मिर्च का चाट बनाने। तो ये ना हमने धोकर जो है कपड़े में रख दी थी, तो इनमें का पानी सारा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए फिर बनाते हैं। यहाँ पर ना कोई खड़ा है, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा है। तो इसमें बनाएंगे, इस पैन में, ये ना लोहे का मेरा पैन है, आयरन जिसकी कढ़ाई होती है लोहे की। तो चलिए फिर बनाते हैं। पहले ना इसको थोड़ा सा तो यहाँ पर ना ये बनाने जा रहे हैं मिर्च का अचार बनाएंगे। तो ये ना जो बड़ी वाली मिर्च होती है ना, और जो छोटी वाली होती है सबसे छोटी, उनके बीच की ये हैं, मतलब छोटी वाली से थोड़ा सा बड़ी हैं, बड़ी वाली से थोड़ा सा छोटी हैं। तो इनको ना इस तरह से थोड़ा सा ना अंदर इनके हम छेद कर रहे हैं, ताकि जो मसाला डालें इसमें अंदर पहुँच जाए। तो चलिए फिर फटाफट से इनको जो है हम सारी इसी तरह से ना थोड़ा सा फाड़ लेंगे, हम चाकू से फाड़ेंगे। तो यहाँ पर बस पैन में जो है हमने तेल डाला, और ये जो है डाल दिया हमने कुछ साबुत मसाले, जिसमें है धनिया साबुत और सौंफ है और जीरा है और कलौंजी मेथी है और थोड़ी सी इसी में मतलब राई भी है। तो ये साबुत मसालों का मिश्रण था। फिर इसमें हमने डाल दिया मिर्च डाल दी, फिर उसके बाद में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर और नमक डाल देंगे। और यहाँ पर ये मिर्च पाउडर जो है ना वो मतलब कश्मीरी वाला है, ये कड़ू नहीं होता, बस इसको कलर के लिए डाला है। मिर्च वैसे भी हमारी कड़ू है, तो इसमें मिर्च डालने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इनको इस तरह से चला देंगे। फिर इसमें ना जो सिरका होता है वो हम डाल देंगे, इससे मिर्च हमारी है थोड़ा सा खट्टी हो जाएंगी। और ये ना सिरका डाल दो तो फिर ये जो मिर्च होती है ना फिर ज़्यादा मतलब तीखी नहीं रहती, कम हो जाता है इसका तीखापन। तो बस ढककर जो है पका लेंगे 5-6 मिनट में, धीमी आंच पर पकाएंगे, मिर्च जो है हमारी वो बन जाएंगी। ये ना गलने वाला सिरका है, तो यहाँ पर ही आपको दिखा रहे हैं, ये ना सिरका था गलने वाला, तो वही आपको जो है दिखा रहे थे। तो यहाँ पर जो है मिर्च का अचार भी हमारा बन गया। 4-5 मिनट में जो है ये अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पर ना ये अचार जो है हमारा वो बन चुका है। तो इसको अब रख लेंगे दूसरे बर्तन में, थोड़ा सा ही बनाया है तो बस एक हफ्ते तक चल जाएगा या फिर 15 दिन चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद में ये जो है हमने सरसों का साग कट करके रखा हुआ है, ये मतलब सुबह ना टिफिन के लिए बनाएंगे, क्योंकि इसको ना मतलब जो साफ़ करने में टाइम लगेगा और सुबह सुबह ना जल्दी होती है तो फिर इतनी जल्दी हो नहीं पाता, तो इसलिए जो है इसको हमने शाम को ही कट करके रख लिया। यहाँ पर हम बनाने जा रहे थे डोसा, तो यहाँ पर ये सांभर हमने बनाया था और ये हमने नारियल की चटनी बनाकर जो है रख ली थी। तो चलिए फिर ये है हमारा, इसको ना फ्रिज में रख देंगे, बाहर रखेंगे ना तो फिर ख़राब भी हो सकता है, तो इसको ना फ्रिज में रखेंगे। पहले ऐसे ही रखने जा रहे थे क्योंकि ध्यान नहीं था, फिर इसको ना ढक कर रखेंगे, नहीं तो फ्रिज में भी ये जो है अगर खुला रख देंगे तो फिर ये ना सूख जाता है। तो चलिए फिर इसको रख देते हैं, फिर उसके बाद में बना लेंगे डोसा, तो बस रात का ही हमारा खाना हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ये डोसा बैटर भी हमने घोल के जो रख लिया, ये आलू का कुच्चा भी हमने बना लिया, तो इधर ना डोसा बनाएंगे, तब तक हमारे जो है मतलब हमारा सांभर भी हमने इसको गरम कर लिया,
तो अब बना लेते हैं डोसा। ये था हमारा आज का ब्लॉग। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जिस जिसने हमारा वीडियो पूरा देखा है तो उसको थैंक यू, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।